अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेहजाद। इसे आपको बताया, हम दोबारा लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पे आए, तो जो स्कूल में काम हुआ था हम उसके आगे अब ऑनलाइन क्लास पे पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले, अब हम आ गए आपकी ये बुक पे, ये अब क्लास टू की बुक है, ठीक है, काउंट डाउन बुक टू थर्ड एडिशन। इस बुक में आप जाएंगे, जो हम चैप्टर अभी पढ़ेंगे वो है चैप्टर टू एडिशन, ठीक है। अब चलते हैं, ये आ गया यूनिट टू एडिशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सवाल है एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, हमें इसमें दो डिजिट नंबर की एडिशन करनी है, बिल्कुल इसमें प्लस करना है, तो दो डिजिट नंबर्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कंप्लीट दीज सम्स, ए है जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसमें मैथ्स में प्लेस वैल्यू होती हैं, शुरू में होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर हंड्रेड, फिर आगे चलते जाते हैं, ठीक है। अभी सर हमें वंस और टेंस में पढ़ना है, ठीक है। अब वंस में यहाँ पे वन और थ्री नंबर हैं और टेंस में एट और वन है, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, वन प्लस थ्री फोर, एट प्लस नाइन, और सॉरी एट प्लस वन नाइन, तो ये आंसर आ गया 94। इसी तरह आप यहाँ प्लस करेंगे टू, टू प्लस टू फोर, फाइव प्लस टू सेवन, फिर यहाँ पे सेवन प्लस वन एट, फोर प्लस फोर एट, फिर यहाँ पे आ गए सिक्स, थ्री प्लस सिक्स नाइन, टू प्लस फाइव सेवन, इसी तरह यहाँ भी करेंगे और इसी तरह यहाँ, ये सारे आपको करने हैं, ये सारे काम बुक में करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट दी सम इन दी बॉक्स एंड फाइंड दी आंसर, ठीक है। ये हमें बॉक्स दिया गया, ये आप देखेंगे आपके बुक में यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, ये आंसर मैंने लिखा है, ठीक है, तो आपको भी यहाँ आंसर लिखना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमने आपको पहले बताया था वर्ड प्रॉब्लम्स उन्हें उसे कहते हैं जैसे हमें कोई सिचुएशन दी जाए, ठीक है, किसी भी सवाल में सिचुएशन दी जाए और उनको कहें कि इसको हल करो, ठीक है, उन्हें कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब जैसे ये ए है, इन अ क्रिकेट मैच शाहिद मेड 53 रन, मुइज मेड 41 रन्स, हाउ मेनी रन्स डिड दे मेक ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है एक क्रिकेट मैच में शाहिद ने 53 स्कोर बनाए, ठीक है, और मोइज़ ने 41 रन्स बनाए, ठीक है। अब बताएं टोटल स्कोर इनके कितने हुए, टोटल कितनी रन्स हुए इनके, हमें क्या करना है 53 और 41 को आपस में प्लस कर देना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हमने ये 53 ऊपर लिख दिया और 41 नीचे लिख दिया, ठीक है, तो 31 को आपस में प्लस कर दिया और 54 को आपस में, 3 प्लस 1 4 और 5 प्लस 4 9, 94, यानी टोटल स्कोर उनके कितने हुए 94 स्कोर हुए। अब आगे आते हैं बी में, लिखा हुआ है आयशा काउंट्स 24 बीट्स इन वन नेकलेस एंड 62 बीट्स इन अनदर, हाउ मेनी बीट्स आर देयर ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है आयशा के पास एक नेकलेस है, यानी एक हार है, देखें ये हार बना हुआ है इधर, ये सही है, तो उसमें एक हार में 24 बीट्स हैं और दूसरे में 62 बीट्स हैं, यानी एक हार में जो है ना 24 मोतियाँ हैं और दूसरे हार में 62 हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं बताएं टोटल कितनी मोतियाँ हुई, मतलब टोटल कितने बीट्स हुए। तो हमने क्या किया, 24 को 62 को आपस में प्लस कर दिया, ये 24 ये 62, तो 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 6 8, यानी टोटल 86 बीट्स हुई, ठीक है, उन दोनों हारों की बीट्स को मिला के टोटल कितनी बीट्स हुई 86। इसी तरह सी में आते हैं, यहाँ लिखा है इफ़ अफशांस हाउस देयर आर 15 डॉग्स एंड 12 कैट्स, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब अफशान के हाउस में 15 डॉग्स हैं और 12 कैट्स हैं, अब बताएं टोटल उनके घर में कितने जानवर हुए, तो 15 और 12 को आपस में प्लस करना है, सिर्फ सिंपल, 5 प्लस 2 ये 7 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो उनके घर में टोटल कितने जानवर हुए 27, यानी 27 एनिमल्स हुए अफशान के घर में, ठीक है। ये सारा काम आपको बुक में ही करना है। अब हम अगले पेज पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ एडिशन कन्वर्टिंग दीज, कन्वर्टिंग वंस, हमें एडिशन करना है और वंस जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जब हम वंस को प्लस करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा कि एक नंबर हमें आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखते हैं 9312 लिखता है, तो यहाँ लिखा हुआ दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, क्यों, यहाँ देखते हैं सही क्यों नहीं है, अब यहाँ देखते हैं, वो वी नो 9 + 3 = 12 बट वी कैन नॉट राइट 12 इन दी वंस कॉलम, वी मस्ट चेंज 112 टू 110 एंड 21, सो वी राइट आवर आंसर लाइक दिस। लिखा हुआ है हमें पता है कि 9 + 3 = 12 होता है, लेकिन हम 12 सिर्फ ओ के नीचे नहीं लिखेंगे, ओ के नीचे सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, ओ यानी वंस, और वन जो है वो टेंस के नीचे आएगा, इस टी के नीचे वन लिखेंगे हम, सही है। फिर यहाँ पे इन लोगों ने करके दिखाया है, देखो वंस के नीचे 2 है और टी के नीचे 1 है, और यहाँ पे
इन लोगों ने बीट्स बनाई है, टेंस में एक बीट्स है और वंस में टू है, क्योंकि टेंस में वन है ना तो हमने वन बीट बना दी, और वंस में टू है तो वंस में टू बना दी। इसी तरह लिखा हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग, अभी ने कंप्लीट करना है। तो आप इसी भी इसमें भी यही करेंगे, 8 + 4 = 12 होता है, 2 यहाँ लिखेंगे और 1 जो है ना इधर लिखेंगे, ठीक है। ये हम तस्वीर की वजह से 1 ऐसे हो गया, वरना आप 1 इधर इधर लिखेंगे टी के नीचे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ भी देखें, 7 + 8 = 15, 5 इधर और 1 इधर आ जाएगा। इसी तरह 6 + 7 = 13, 3 इधर 1 इधर आ जाएगा। इसी तरह 5 + 9 = 4 और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 + 9 = 14 होता है, तो 4 हम वंस में लिखेंगे और 1 टेंस में लिखेंगे। इसी तरह आप ई करेंगे, एफ, जी और एच, ये सारा इसी तरह करना है, और ये काम भी आपको सिर्फ बुक में करना है। अब चलते हैं, अब आ गए हम अगले पेज पे। यहाँ लिखा हुआ है टेंस एंड वंस। क्वेश्चन नंबर 3, हेल्प आदिल पुट हिज ब्लॉक्स इनटू टेंस एंड वंस। ये जो लड़का है इसका नाम है आदिल, ठीक है। अब ये हमें कह रहे हैं कि आदिल की मदद करें कि उसको जो उनके ब्लॉक हैं वो टेंस और वंस में उनको सही रखने की, मतलब सही रखना सिखाएं, किस तरह रखेंगे। अब देखें यहाँ पे है 1, 10, 11 वंस। अब आपको पता है कि वंस में 2 नंबर नहीं आते, वंस में एक ही नंबर आता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10 वंस में नहीं आता, अगर 10 हम लिखेंगे तो 0 वंस में लिखेंगे और 1 10 में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इन्होंने क्या कर दिया, अब ये कितने ब्लॉक्स थे, ये 11 ब्लॉक थे और ये 10 ब्लॉक हैं, यानी एक 10 ब्लॉक का एक पूरा टावर बना हुआ है, और ये कितने हैं, 11। तो इन लोगों ने 10 ब्लॉक तो पहले ये थे, तो इन 11 में से 10 ब्लॉक अलग कर दिए, ये यहाँ रख दिए, ठीक है। और कितना, एक ब्लॉक बच गया ये, तो ये कितने हो गए, 10 ये और 10 ये, कितने 20, और एक ये हो गया एक, यानी 20 ये और 1 ये, कितने हो गए 21। तो ये हमने 21 लिख दिया। 21 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 टेंस में लिखेंगे और 1 1 में लिखेंगे, सही है। इस तरह लिखेंगे 21, 2 आएगा टेंस में और 1 आएगा वंस में। इसी तरह भी यहाँ चलते हैं, ये एक टावर बना हुआ है 10 बॉक्सेस का, और ये सारे बॉक्सेस अलग पड़े हैं, कितने बॉक्सेस हैं, ये 16 बॉक्सेस हैं अलग, सही है। तो हमें इनमें से 10 बॉक्स अलग करने और 6 अलग करने, तो हम यही करेंगे। ये पहले के हमारे पास था बॉक्सेस, ठीक है, 10 बॉक्सेस, और ये हमने अलग कर दिए इसमें से, तो ये हो गए 2 हमारे पास, और ये कितने हो गए 6। तो टेंस में 2 आ गया और वंस में 6 आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया 26, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हमें अलग दिए गए हैं और 14 बॉक्सेस अलग दिए गए हैं। अब इन 14 में से हम 10 बॉक्स अलग कर देंगे, यहाँ लिख दिया, एक ये बॉक्स था, एक ये और एक ये, ठीक है। 3 बॉक्स ये हो गए और 4 ये अलग हो गए, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 10s 4 1s, ये 34 आ गया। इसी तरह हम यहाँ भी ये करेंगे, 4 ये हैं, 12 ये हैं, हमने 10 अलग कर दिए तो 5 ये हो गए और 2 ये बच गए, तो आंसर आ गया 52, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ दी बिगेस्ट ग्रुप, इसमें से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो अब देखें सबसे बड़ा ग्रुप ये है डी वाला है, जिसमें 52 बॉक्सेस हैं, सही है। और फिर लिखा हुआ है विच इज़ दी स्मॉलेस्ट ग्रुप, अब स्मॉलेस्ट ग्रुप ये है ए, जिसमें 21 बॉक्स हैं, सबसे छोटा, ठीक है। अब हम अगले पेज पे आते हैं, एडिशन कन्वर्टिंग वंस। अब इसमें वही है कन्वर्टिंग वंस, यानी जब हम वंस को प्लस करेंगे तो एक नंबर इधर आ जाएगा। अब इसमें देखें 8 + 8 = 16 होता है, तो 6 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। पहले हम ऊपर नहीं लिख रहे थे, पहले हम यहाँ लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि टेंस में हमारे पास कोई नंबर ही नहीं था, तो इसलिए हम 1 यहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन अभी टेंस में हमारे पास नंबर है, ठीक है। अभी हम 1 ऊपर लिखेंगे, जो टेंस में नंबर है ना उसके ऊपर आएगा, कैरी आएगी इधर, 8 + 8 = 16, 6 इधर, 1 ऊपर, तो 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8, ठीक है, ये 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 5 + 4 = 9, 9 आ गया, 6 + 1 = 7, फिर यहाँ पे 7 + 4 = 11, 1 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, तो 1 + 7 = 8, 8 + 1 = 9, अब यह डी 4 + 8 = 12, 2 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8। इसी तरह आप ये सारे करेंगे ई एफ जी एच, ठीक है, आप इसी तरह ही करेंगे, और ये भी काम आप बुक में ही करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, राइट दी सम इन दी बॉक्स एंड फाइंड दी आंसर। लिखा हुआ है इसका आंसर निकालें, वही सेम ये वर्ड प्रॉब्लम सेम, ठीक है। ए लिखा हुआ है महा प्लांट्स 25 ट्रीज, आयशा प्लांट्स 18 मोर, हाउ मेनी ट्रीज डू दे प्लांट ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है महा ने 25 ट्रीज प्लांट किया, मतलब उगाए, और उसके बाद आयशा ने 18 और प्लांट्स उगा दिए। तो अब पूछ रहे हैं हमसे कि आप बताएं टोटल कितने ट्रीज हुए, ठीक है। महा ने 25 ट्रीज उगाए और
आयशा ने 18, ट्री कहते हैं पेड़ को, देखिए पने हुए पेड़ इधर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं बताएं हम टोटल कितने पेड़ हुए, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस प्लस कर देंगे 25 और 18 को, 5 + 18 5 + 8 13, 3 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, 1 + 2 3 3 + 1 4 43 आंसर आ गया, यानी टोटल कितने ट्रीज हुए, 43 ट्रीज हुए। अब बी में आते हैं, मंकी ईट्स 29 बनानास एंड देन 12 मोर, हाउ मेनी बनानास डज ही ईट ऑल टुगेदर। अब मंकी, ये मंकी बना हुआ है, ठीक है, मंकी ने पहले 29 बनाना खाए और उसके बाद 12 और खा लिए, तो हमसे पूछ रहे हैं अब टोटल कितने उसने बनाना खाए, तो हम 29 और 12 को प्लस कर देंगे, 9 + 2 11, 1 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, तो 1 + 2 3 3 + 1 4, तो 441 केले खाए मंकी ने टोटल, ठीक है। अब सी में आते हैं, लिखा है अली सेव्स 25 बकेट्स ऑफ वाटर इन अ मंथ, रोहेल सेव्स 17, हाउ मच वाटर डू दे सेव ऑल टुगेदर इन अ मंथ। लिखा हुआ है अली जो है, एक लड़का है अली, वो पानी की बाल्टी जो है ना 25 पानी की बाल्टी एक महीने में बचाता है, ठीक है, और रोहेल 17 और बचाता है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं टोटल पानी की बाल्टियाँ कितनी बचेंगी एक महीने में, तो 25 बाल्टियाँ कितनी अली बचाता है और 17 रोहेल बचाता है, तो टोटल कितनी होंगी, तो हम क्या करेंगे 25 और 17 को आपस में प्लस कर देंगे, 5 + 7 2 होता है, 2 + 1 4, यानी टोटल 52 बाल्टियाँ बच जाती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे, और ये काम भी आपको सिर्फ बुक में ही करना है। अब आ गया काम री इन्फोर्समेंट वर्क। अब ये री इन्फोर्समेंट वर्क, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि री इन्फोर्समेंट वर्क आपको कॉपी में करना है, तो यहाँ भी आप री इन्फोर्समेंट वर्क क्या करेंगे, कॉपी में ही करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दीज मिसिंग नंबर्स इन दीज नंबर ट्रैक। इसमें जो नंबर्स मिसिंग है, यानी ये नंबर जो मैंने ब्लू से लिखे हुए ना, ये नंबर इसमें मिसिंग है जो मैंने बाद में लिखे हैं, ठीक है, तो आप भी यही करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, काउंट बाय 1 लिखेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे आप पेंसिल से, ये सारे जो ब्लैक में लिखे हैं पेंसिल लिखेंगे, और ये जो नंबर है आप लिखेंगे ब्लू से, ठीक है, आप भी इसी तरह ही करेंगे। अब यहाँ काउंट बाय 1 लिखा हुआ है, 1 में काउंट करो, यानी एक एक प्लस करो, ठीक है, हमें 1 1 प्लस करना है, 37 1 प्लस करोगे 38 के बाद 39 के बाद 40 के बाद 41 के बाद आता है 42, फिर 43 44 और 45, हमने सिंपल ये लिख दिया, ठीक है। इसी तरह टेंस, अब टेंस में हमें क्या करना है, हमें 10 प्लस करने हैं, ठीक है, हर नंबर में 10 प्लस करना है, 14 में 10 प्लस करोगे 24, इस तरह फिर 34 फिर 44 फिर 44 में 10 प्लस करोगे 54 64 74 84 और 94, फिर इसी तरह वही सेम नीचे आ गया वंस में, यहाँ फिर वही 1 1 1 प्लस करेंगे, और फिर यहाँ टेंस, फिर यहाँ वंस, और फिर यहाँ टेंस, इसी तरह आप सिंपल प्लस करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ गए वर्क आउट द आंसर्स टू दीज एडिशन प्रॉब्लम्स। अब ये हमें एडिशन दी गई हैं, ठीक है, सिंपल है। अब ये है 1 23 + 1 कितना होता है 24, हमने 24 लिख दिया, 14 + 10 कितना होता है 24, यहाँ भी लिख दिया, 67 + 1 68 होता है, 26 + 1 27 होता है, और 33 + 10 43 होता है, इसी तरह आप सारे ये करेंगे 19 1 + 1 20 77 + 10 27, ये सारे आपको क्या करने हैं, कॉपी में करना है, ठीक है। री इन्फोर्समेंट वर्क आपको कॉपी में करना है, बाकी जो बुक का काम है वो आप बुक में ही करेंगे, ठीक है, आप दोनों भेजेंगे, बुक भी भेजेंगे स्कूल और कॉपी भेजेंगे, और ये सारा काम आपको चेक करके दे देंगे, ठीक है। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।